नटराज हॉलीडे रिजॉर्ट, ये है एमटीडीसी का होटल, भीमा शंकर होम स्टे, अनिकेत लॉज, चेतन लॉज, मंदिर के बिल्कुल सामने की धर्मशाला है, ये है रत्वा रिजॉर्ट होटल शिवमृत। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त दिव्यांशा और आज के इस व्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी भीमा शंकर के मेजॉरिटी ऑफ दी होम स्टेज, लॉजेस, धर्मशाला एंड होटल्स। तो चलिए मेरे साथ व्लॉग शुरू करते हैं। ये है भीमा शंकर होम स्टे, यहाँ पर हम लोगों ने सेकंड फ्लोर लिया है बिकॉज डबल बेड का कंबाइंड रूम सेकंड फ्लोर पे था, ग्राउंड फ्लोर पे इनका सिक्स बेड का रूम था, फर्स्ट फ्लोर पे इनके डबल बेड के अलग अलग रूम्स थे और यही था जो रूम इनको इन हमारे हिसाब का रूम था। ये है इनका ग्राउंड फ्लोर पे सिक्स बेड वाला रूम। स्टेयर से आते हम यहाँ सेकंड फ्लोर पे आए हैं, रूम में आपको दिखा देती हूँ। ये पन्नी ने अंदर से बंद कर दिया है। ये है इनका पहला रूम, बाथरूम बहुत अच्छा है, बाथरूम इज नाइस एंड डिसेंट। अच्छा, इनका मैंने सुना हुआ है कि रेट्स ये नेगोशिएट कर देते हैं ऊपर नीचे, ये दोनों रूम कंबाइन करके लोग 2500 तक भी चले जाते हैं, बट हमारे केस में नेगोशिएशन डिड नॉट वर्क। बहुत नेगोशिएशन के बाद ये लोग हमसे राजी हुए 3200 रुपीज के लिए। आई थिंक इनका भी सीजन के हिसाब से चलता होगा। और इनकी बालकनी इज वेरी नाइस, बनी के लिए रिस्की है, हमें बंद करके रखनी पड़ेगी। उस रास्ते से हम आए हैं और ये बस स्टैंड है भीमा शंकर का, ये पार्किंग भी है। तो बहुत रिसर्च कर करके बहुत मुश्किल से मुझे भीमा शंकर होमस्टे का फोन नंबर मिला था, तो हम लोगों ने बुकिंग कराई बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि हम लोग इतनी दूर से बड़ों के साथ और बच्चे के साथ आ रहे हैं, तो हम लोग बिना बुकिंग के आए। आई वॉन्टेड कि मेरे पास होटल की बुकिंग कन्फर्म्ड होनी चाहिए, सो इसलिए हमने भीमा शंकर होमस्टे किया। और आपको फ्यूचर में अगर आपको आना है और आपको होमस्टेज वगैरह यहाँ पे देखने हैं, उसके लिए मैं अभी नीचे जाऊंगी और मैं देखती हूँ मैं क्या क्या यहाँ पे मुझे मिलता है और मैं कितना कुछ कवर करके आपको दिखा सकती हूँ, मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये है बस स्टैंड और यहाँ पर आपका ये है भीमा शंकर होम स्टे जिसमें हम ठहरे हुए हैं। इसी के साथ में ये है अनिकेत लॉज और ये सामने है चेतन लॉज। तो अभी आपको मैं चलती हूँ अंदर से अनिकेत लॉज का दिखा देती हूँ। सब जगह चढ़ के ही जाना है, तो अभी मैं जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर का रूम देखने। ये यहाँ से जा करके ये दोनों रूम है। अच्छा, ये भी रूम है और ये भी रूम है। तो ये अभी ऑफ सीजन है तो इसका रेट 1200-1500 के करीब है इस कमरे का, और जब सीजन होता है तो फिर रेट और बढ़ जाता है, जैसे शिवरात्रि हो गया, सावन का टाइम हो गया। तो ये इधर का बाथरूम है, बाथरूम साफ है, और ये दूसरे रूम का बाथरूम है। मोर और लेस यहीं से दूसरे रूम में चले जाते हैं, तो आई थिंक कोई बड़ी फैमिली है तो ये कनेक्टेड रूम ले सकती है इस तरीके से। ये सेकेंड रूम है, ये कह रहे हैं सेकंड फ्लोर पे भी इनका एक अलग रूम है, तो वो भी देख लेते हैं। इसका क्या चार्ज है? इसका भी वही नीचे लिखा है ना, 1500। वो टाइप वाला ही है, और सीजन में रेट चेंज हो जाता है। सीजन में ज्यादा रहता है। टॉयलेट, बाथरूम, ये रूम, गीजर, यहाँ पे सब रूम्स में है। और यहाँ से चलते हैं नीचे चेतन लॉज। अभी ऑफ सीजन है तो ये कह रहे हैं कि ये रूम 1000 रुपये में है, और जब सीजन होता है तो इसी के फिर रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं, 2000-2500 तक जाते हैं। ये यहाँ पे टॉयलेट है और ये यहाँ पे बाथरूम है और वॉश बेसिन कॉमन है। तो ये भीमा शंकर का बस स्टैंड है, यहाँ से आकर के मैं चेतन लॉज में आई हूँ, और ये आपका चेतन लॉज है, और फिर ये यहीं से पीछे बैक साइड की गली है जो जाती है सीधा, और यहीं पे आप ये देखिए अनिकेत लॉज की एंट्री भी है, भीमा शंकर होम स्टे की भी एंट्री है, और ये पीछे से आप जा सकते हैं अगर आप आगे वाला रास्ता नहीं लेना चाहते तो। और रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट यहाँ पे बहुत है खाने के लिए रेस्टोरेंट बहुत है, रहने के लिए मुश्किल से मिलता है। तो फ्रेंड्स, भीमा शंकर का जो अभी तक का एक्सपीरियंस है यहाँ पे रहने का, घूमने फिरने का, तो जगह तो अच्छी है, पहाड़ी एरिया है, दिन में गर्मी है, शाम को थोड़ी ठंड है। मैं आई हुई हूँ यहाँ पर मार्च के महीने में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे होटल्स की, तो कहने के लिए लॉज और होमस्टेज हैं यहाँ पर, जो कि मंदिर के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल स्टार्टिंग जहाँ से मंदिर की
चलने का शुरू होता है बिल्कुल वहीं पे ये होम स्टेज हैं। बट इन होम स्टेज में तो मतलब क्लिनलीनेस तो भूल ही जाइए, बस यही है कि आइए अपना एक दिन का रहिए और जाइए। और इसके बाद यहाँ से 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर में आगे और है, नटराज है, शिव अमृत है, रतवा है, MTDC के रिजॉर्ट्स हैं, वो शायद थोड़े बेटर हों इन टर्म्स ऑफ क्लिनलीनेस। बट जो यहाँ पर होम स्टेज हैं वो तो अच्छे नहीं है। बट लेकिन वही, अगर आपको मंदिर के पास की कोई जगह चाहिए तो आपको क्लिनलीनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और अगर आप क्लिनलीनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो आपको थोड़ा दूर जाके रहना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 बसेस भर के ना स्कूल के बच्चे आए हैं। ये लोग शायद दर्शन करने के लिए ही आए हैं, क्योंकि जा तो उधर ही रहे हैं। बच्चों को देख के फीलिंग तो बड़ी अच्छी सी आ रही है, पर 8 बजे देख के अजीब वाली फीलिंग आ रही है कि ये कौन सा टाइम है, क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग आए हैं यहाँ पे वो रात के लिए रास्ता नहीं है, बिल्कुल सुनसान जंगल 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 है पूरा। सुबह हो चुकी है, हालांकि अंधेरा हो रहा है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग जा रहे हैं इस वक्त सुबह सुबह की आरती अटेंड करने के लिए। दर्शन हम लोग कराए हैं, पूजा हमारी बहुत अच्छी हो गई है मंदिर, और मंदिर के बिल्कुल सामने ये राम मंदिर है, और यहाँ पर रहने की धर्मशाला है, एक ये यहाँ पर रहने के लिए, और एक कह रहे हैं पीछे कहीं पे एक भक्ति भवन है वहां पर है रहने का इंतजाम। मंदिर में एंट्री करके ये इधर की साइड के लिए रास्ता है जो धर्मशाला के लिए जाता है। चलिए देखते हैं, अगर मुझे कोई मिलता है तो मैं पूछ के आपको बताती हूँ। सॉरी गाइस, ये तो सब दरवाजे बंद हैं, सब पे कुंडियाँ लगी हुई हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। जय भोले की दोस्तों। दोस्तों ये भीमा शंकर पे, जैसे दिव्यांश ने आपको बताया, ये होम स्टे है यहीं पे ही, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये मेरे साथ भैया हैं जो इस होम स्टे का देख रेख करते हैं, और अधिकतर कई बार ये भी मिलते हैं, नहीं तो कोई और भी मिलता है। मैं यहाँ का फ़ोन नंबर भी इस पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ पे आपको नाश्ता या खाने का अरेंजमेंट भी हो जाता है और रहने की सुविधा भी है। ये एक और है जगह जहाँ पे भैया खड़े हुए हैं अभी, यहाँ पे भी खाने पीने की का अरेंजमेंट होता है। यहाँ से आप फूलमाला लेके मंदिर में अंदर जा सकते हैं, 2-3 हैं यहाँ पर। ये मंदिर के सामने एक और है, जाके देखती हूँ अगर कुछ डिटेल्स मिल सकती हैं तो। मैं अंदर आई हूँ तो ये कह रहे हैं कि लॉजिंग नहीं है, ये काइंड ऑफ धर्मशाला है। हम यहाँ रूम देते हैं, तो ऑफ सीजन में जैसे 500 रुपए चलता है किराया, उसमें 3 मेंबर एक रूम में रह सकते हैं। उससे अगर एक्स्ट्रा 3 मेंबर से ज्यादा है तो फिर पर मेंबर 200 रुपए लगेंगे। ठीक है। एक बड़ा हॉल बना हुआ है जिसमें 60-70-80 लोग सो सकते हैं, तो 200 रुपए पर बंदा, पर पर्सन, पर पर्सन जिसपे फोन करके बुकिंग हो जाए। जी, 9992912988। ठीक है। ललित गिरी मेरा नाम है, तो आपको कांटेक्ट कर लें जब भी ये बुकिंग करना हो। जी, आपका। ठीक है। ये भी सारे लॉजेस हैं यहाँ पर। अब मैं सब जगह तो जाके नहीं कवर करके फोन नंबर दे सकती, तो जैसे ललित जी ने अपना नंबर बताया तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपका यहाँ का भी बुकिंग का अरेंजमेंट करवा सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग जा रहे हैं भीमा शंकर से वापसी, तो चलिए मैं आपको उधर की साइड वाले सारे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स भी दिखा देती हूँ। ये है रतवा रिजॉर्ट, ये है भीमा शंकर से 5 किलोमीटर की दूरी पर, और ये इनका यहाँ पे सिटिंग एरिया है। ये रेस्टोरेंट है, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा अंदर से, इन हाउस रेस्टोरेंट ही है इनका। और देन दे हैव कॉटेजेस, जैसे वो आपको देखिए ना, वो कॉटेजेस हैं। अभी जो इनका कॉटेजेस के रेट है वो है 2000 रुपीज, सीजन में ये लोग इसको 2200 रुपीज कर देते हैं। कॉटेज में इनका है 1 रूम 1 लिविंग रूम एंड बाथरूम। और अब हम चलते हैं, मैं आपको चल के यहाँ पे इनका फैमिली रूम दिखा देती हूँ, जिसका रेट है अभी 2500 और सीजन में ये लोग इसको कर देते हैं 3000 तक। ये फैमिली रूम है और ये सामने कॉटेज है। इनका फैमिली रूम है, सिटिंग है, विंडो है, और इनके यहाँ पे 4 बेड लगे हुए हैं। एंड देन देयर इज देयर वॉशरूम, ये टॉयलेट है, ये बाथरूम है, गीजर लगा हुआ है, और वॉश बेसिन भी बाहर है। एंड देन देयर इज द रूम एंड इट्स अ नॉन एसी रूम। दिन में यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, यहाँ पे रात में अच्छी खासी ठंड होती है, तो एसी नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, कॉटेज भी दिखा देती हूँ आपको, बट इन अ वे इट्स अ डिसेंट नाइस कॉन्सेप्ट। छोटे छोटे कॉटेजेस बने हुए हैं अपने इंडिविजुअल आपके। तो फ्रेंड्स, कॉटेजेस में ना इंटरकॉम नहीं है, बट ये लोग स्टाफ के नंबर्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि कुछ भी आपको चाहिए तो आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। ये इनका लिविंग रूम यहाँ पर,
छोटा सा, एंड देन ये इनका बेडरूम, नाइस विंडो है दो, और अगेन एसी नहीं है। ये वॉशरूम, गीजर लगा हुआ है। रात ऑफ कोर्स यहाँ पे ठंडी होती है, पर ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा ठंड गर्मी पड़ती नहीं है दिन में, तो एसी की रिक्वायरमेंट है नहीं। होटल शिव अमृत, ये सारे रूम्स हैं, लाइन से सारे रूम्स बने हुए हैं। तो ये है इनका रूम, इसके चार्जेस रहते हैं 1500 से लेके 2500 तक के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड रश। ये कूलर लगा हुआ है। इनका बाथरूम मैं दिखा देती हूँ, ये इनका बाथरूम है। बाथरूम में गीजर नहीं है, बट हाँ पीछे से ये कह रहे हैं कि रनिंग हॉट वाटर आता है। जो हम रतवा देख के आए हैं और ये शिव अमृत, इसमें हार्डली आई थिंक 500 मीटर का अंतर होगा, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास पास हैं ये दोनों होटल्स। तो चलिए अब चलते हैं नटराज हॉलीडे रिजॉर्ट, ये इनका रेस्टोरेंट है, नाइस एंड डिसेंट रेस्टोरेंट, एंड इट सीम्स टू बी अ गुड होटल, जितने भी भीमा शंकर में अभी तक देखे हैं उसके कंपेरिजन में। तो ये है आपका रूम, और ये बोल रहे हैं कि इसका रेट अभी तो 3000 है, बट ऊपर नीचे होता रहता है, और बहुत ज्यादा कह रहे अंतर नहीं होता, 3000 के आसपास ही रहता है। ये इसका वॉशरूम है, गर्म पानी कह रहे हैं, सोलर पैनल लगा हुआ है तो रनिंग हॉट वाटर आता है। वन थिंग विच आई मिस्ड, इस रूम में आपका एसी भी है। एक चीज मैं आपको बताऊं, इसमें इन्होंने अभी मुझे मेंशन किया है कि यहाँ पे वोल्टेज का इश्यू रहता है, तो एसी जो है वो 10-15 मिनट ही चलते हैं, उससे ज्यादा नहीं चल पाते। गार्डन एरिया, और नटराज होटल के सामने मैं खड़ी हूँ। ये है आपका 7 किलोमीटर फ्रॉम भीमा शंकर। ये है MTDC का होटल, एंड दिस इज बीइंग रन बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इनके सारे कैटेगरीज के रूम है। ये है इनका VIP रूम, थोड़ा अनटाइडी लगेगा बिकॉज गेस्ट अभी गए हैं और रूम दोबारा बना नहीं है। तो ये सामने इनका बालकनी है, ये सामने से व्यू है। फ्राइडे सैटरडे इस रूम का रेट रहता है 2016, और बाकी दिन, बाकी रेस्ट ऑफ द वीक में इसका रेट रहता है 1792, 1792, एंड आई थिंक यहां से भी सेम बालकनी है, एंड इट्स अ नाइस रूम, बट ये थोड़ा दूर है, करीबन 7 कुछ किलोमीटर है। इट इज जस्ट नेक्स्ट टू नटराज, और ये इनका वॉशरूम है, गीजर यहीं पे लगा हुआ है, एंड देयर इज नो एसी इन दिस रूम। बट जैसा कि इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तो ज्यादा गर्मी मुझे लग नहीं रही जैसे मुझे भीमा शंकर होम स्टे पे लग रही थी या रतवा पे लग रही थी। यहाँ पे आई थिंक एयर फ्लो एकदम पूरा है, तो इतनी गर्मी लग नहीं रही है। और ये इनका डीलक्स रूम है, इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, फ्राइडे सैटरडे रेट हो जाएगा 1344 रूपए, और यहाँ भी बालकनी है, और बाकी रेस्ट ऑफ द वीक रहता है 1120, और अगेन इसमें एसी नहीं है। ये इसका वॉशरूम है, ये रेस्टोरेंट है, अभी सफाई चल रही है तो इट्स नॉट ऑपरेशनल। रेट चार्ट है इनका, और आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। तो बस जो भी मेजॉरिटी होम स्टेज होटल्स वगैरह थे भीमा शंकर में, मैंने आपको दिखा दिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लग्जरी है, स्टैंडर्ड है, नॉन लग्जरी है ये, और या बजट होटल है या महंगा होटल है। यहाँ पे इसी तरीके के सारे होटल हैं, चाहे आप उसको लग्जरी का नाम ले लीजिए, चाहे स्टैंडर्ड का नाम ले लीजिए। रीज़न बीइंग, जो हमें पता चला है कि ये फॉरेस्ट एरिया में आता है भीमा शंकर का टेंपल जो है, इसीलिए मेरे हिसाब से होटल, इन टर्म्स ऑफ होटल्स, वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो बस जितना मैं आपको दिखा सकती थी, मेजॉरिटी मैंने आपको दिखा दिया है। तो बस इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं ख़त्म, आप सबसे मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।